पीएम मोदी देश के हर हिस्से को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पीएम मोदी जानते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल तक सभी का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। पीएम मोदी भी अब नॉर्थ ईस्ट के विकास में लग गए हैं। पीएम मोदी खुद नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर सजग रहते हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए नॉर्थ ईस्ट के विकास की बात सभी सांसदों को बताई। मैं लद्दाख के विषय में भी कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है जिसने अपने आप को एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई है, और एक प्रकार से देश के कई राज्यों को सिक्किम जैसे छोटे राज्य ने प्रेरणा दी है। सिक्किम के किसान, सिक्किम के नागरिक इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी। लद्दाख, मैं मानता हूं लद्दाख के मन विषय में मेरे मन में बहुत चित्र साफ है, और इसलिए हम चाहते हैं कि लद्दाख जिस प्रकार से हमारे पड़ोस में भूटान की भूरी भूरी प्रशंसा होती है एनवायरमेंट को लेकर, कार्बन न्यूट्रल कंट्री के रूप में दुनिया में उसकी पहचान बनी है, हम देशवासी संकल्प करते हैं और हम संकल्प करना चाहिए कि हम लद्दाख को भी एक कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में डेवलप करेंगे, देश के लिए एक पहचान बनाएंगे, और उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को एक मॉडल के रूप में मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं जब लद्दाख जाऊंगा इनको उनके साथ रह करके मैं इसकी एक डिजाइन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपने पीएम मोदी से सुन लिया, अब आपको कश्मीर के बारे में भी सुनाते हैं कि पीएम मोदी कश्मीर की परंपरा को लेकर क्या सोचते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के समय में संविधान की क्या स्थिति थी, लोगों के अधिकार की स्थिति क्या थी, ये मैं जरा इनको पूछना चाहता हूं। अगर संविधान इतना महत्वपूर्ण है जो हम मानते हैं, अगर आप मानते होते तो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू करने में आपको किसने रोका? इसी संविधान के दिए अधिकारों से जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों को वंचित रखने का पाप किसने किया था? और शशि जी, आप तो जम्मू कश्मीर के दामाद रहे हैं, अरे उन बेटियों की चिंता करते हैं। आप संविधान की बात करते हो, और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, एक माननीय सांसद ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने अपनी आइडेंटिटी खोई है। किसी की नजर में तो जम्मू कश्मीर मतलब जमीन ही था। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर में जिनको सिर्फ जमीन दिखती है, न उनको इस देश का कुछ अंदाज है न, और वो उनकी बौद्धिक दारिद्रता का परिचय करवाता है। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, कश्मीर भारत का मुकुटमणि है। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर की आइडेंटिटी बम बंदूक और अलगाववाद बना दी गई थी। 19 जनवरी 1990 जो लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं, 19 जनवरी 1990 वो काली रात, उसी दिन कुछ लोगों ने कश्मीर की आइडेंटिटी को दफना दिया था। कश्मीर की आइडेंटिटी सूफी परंपरा है, कश्मीर की आइडेंटिटी
सर्वपंथ संभाव की है। कश्मीर के प्रतिनिधि मां लालदेड़, नंद ऋषि, सैयद बुलबुल शाह, मीर सैयद अली हमदानी, ये कश्मीर की आइडेंटिटी है माननीय अध्यक्ष जी। कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 370 हटाने के बाद आग लग जाएगी। कैसे भविष्यवेत्ता है, आग लग जाएगी 370 हटाने के बाद। और आज जो लोग बोलते हैं मैं उनको कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कुछ नेता जेल में है, डिकना है, फलाना है, वगैरह वगैरह। जरा मैं इस सदन, ये संविधान की रक्षा करने वाला सदन है, ये संविधान को समर्पित सदन है, ये संविधान का गौरव करने वाला सदन है, ये संविधान के प्रति दायित्व निभाने वाले सदस्यों से बना हुआ सदन है। तब जाकर के मैं सभी मान्य सदस्यों के आत्मा को छूने की आज कोशिश करना चाहता हूं, अगर है तो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, महबूबा मुफ्ती जी ने 5 अगस्त को क्या कहा था? महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, और संविधान को समर्पित लोग जरा ध्यान से सुने, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, भारत ने, ये शब्द बड़े गंभीर है, उन्होंने कहा था भारत ने कश्मीर के साथ धोखा किया है, हमने जिस देश के साथ रहने का फैसला किया था उसने हमें धोखा दिया है, ऐसा लगता है कि हमने 1947 में गलत चुनाव कर लिया था। क्या ये संविधान को मानने वाले लोग इस प्रकार की भाषा को स्वीकार कर सकते हैं क्या? उनकी वकालत करते हो, उनका अनुमोदन करते हो? उसी प्रकार से श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था, उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 को हटाना, आर्टिकल 370 को हटाना, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था कि आर्टिकल 370 को हटाना ऐसा भूकंप लाएगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था 370 का हटाया जाना कश्मीर के लोगों की आजादी का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर 370 हटाई गई तो भारत का झंडा फहराने वाला कश्मीर में कोई नहीं बचेगा। क्या इस भावना से क्या हिंदुस्तान के संविधान को समर्पित कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है क्या? इसे सहमत हो सकता है क्या? मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूं जिनकी आत्मा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं, माननीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा नहीं है,
और इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं, हम वो है जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा है। हमने भरोसा किया, हमने कश्मीर की आवाम पे भरोसा किया और आर्टिकल 370 को हटाया और आज तेज गति से विकास भी कर रहे हैं। और इस देश के किसी भी क्षेत्र के हालात बिगाड़ने की मंजूरी नहीं दी जा सकती, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे केरल हो, कोई भी इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे मंत्री भी पिछले दिनों लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद करके वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन से जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम संविधान को समर्पित लोग सबके सब प्रतिबद्ध हैं।